किसी रोज इसका भी नाम बदल दिया जाएगा तो क्या होगा? हमारे जितने भी पुरखाओं ने, जितने भी हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे पुरखाओं ने जो किया है, एक भी गलत नहीं है। जितनी भी चीजें बनाए हैं सारी चीजें सही है। हमारे लोग घर भी बनाते हैं, इको फ्रेंडली घर बनाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि घर बनाने से पहले चारों तरफ दाना रखते हैं। अगर वहां पे दाने तंत्र मंत्र से रखते हैं और वो दाने बिखर जाते हैं, वहां पे घर नहीं बनाते हमारे लोग। अगर वो इसका साइंटिफिक रीजन यही है कि वहां पे ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जहां पे ज्यादा होती है वहां पे दाने बिखर जाते हैं। इस दुनिया में साइंस से पहले हमारे आदिवासियों का ज्ञान आया, बाद में विज्ञान आया और बाद में ये सारे वैज्ञानिक आए। इस समाज ने क्या नहीं दिया? डेमोक्रेसी शब्द इसी समाज से आया। आपके यहाँ हलमा बोलते ना, घास घास लोकतांत्रिक तरीके से हमारा आदिवासी हर काम लोकतांत्रिक तरीके से करता है। गाता साथ में है, नाचता साथ में है, त्योहार साथ में मनाता है। कोई सा भी प्रोग्राम अकेले में नहीं होता और अकेले में खाता भी नहीं है। ये मेरा समाज है साथियों, और इस समाज के लिए हम लोगों को कभी कुछ सोचना नहीं है। और जो भी जितना भी अगर पढ़े लिखे कर्मचारी अधिकारी है तो वो भी ध्यान से सुने कि हर त्योहार पे अपने घर पे जरूर है और अपनी रीति रिवाज को समझे, अपने देवी देवताओं के बारे में पूछे कि पापा आप आज कौन सा त्योहार है, आप किसकी पूजा कर रहे हैं, कौन है अपने देवता, कौन से अपने त्योहार है। ये तो अगर ये नहीं आप जान पाओगे तो आपकी आइडेंटिटी खो दोगे और आपकी आइडेंटिटी चले जाएगी। तो आप डिस्कवरी चैनल में उतर जाओगे और किसी म्यूजियम का भाग जाओगे। ये होगा किसी लव म्यूजियम में पड़े रहेंगे कि यहाँ आदिवासी किए थे कोई आदिवासी। वो डिस्कवरी चैनल में अगर हमारे आदिवासी उसको ज्ञान नहीं बताएंगे तो वो भी नहीं चलेगा। आप देख रहे होंगे डिस्कवरी चैनल देखने वाले। तो इतना ज्ञानी समाज है ये समाज। आज तक इस समाज ने किसी को लूटा नहीं है। मजदूरी करना, गुजरात में कहीं जाकर रहना, जिल्लत की जिंदगी जी रहा है, लेकिन स्वाभिमानी जी रहा है। ऐसा महान समाज की संतान है हम लोग। इस समाज की संतान होने पे हम लोगों को गर्व आता साथ। अभी हमारे पढ़े लिखे लोगों ने बिरसा मुंडा, डंडिया मामा, कितने कितने इतिहास खोज के लाए हैं। अभी तो सिर्फ जो पुराने लोगों ने हमारे ऊपर कुछ भी लिख के मेडल ले लिए हैं, लेकिन आप युवा इतिहास लिखेंगे हमारा, हमारा इतिहास हम खुद लिखेंगे। और एक दिन समाज को एक अच्छा मान सम्मान के साथ सामने लाएंगे। साथियों और भी साथी है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। और यहाँ पे और भी ये डॉक्टर साहब हीरा लाल लावा जी, मेरी ओर से डॉक्टर साहब को मैं सेवा जोहार करता हूँ साथियों। और मेरे समाज में पैरों में जूते नहीं होते हैं, तन पे कपड़े नहीं होते, छत नहीं होती है, फिर भी लोग कहते हैं कि कहाँ कहाँ मेरा समाज मर रहा है। झारखंड में देखो, झारखंड में भूख से मर रहे हैं, उड़ीसा में भूख से मर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन जहां जहां पे है वहां वहां मेरा सब तड़प तड़प के मर रहा है। आज की तारीख में कहीं ना कहीं पूरी बात वहां पे हमारे समाज को मार रहा है। तो साथियों बहुत सारी चीजें हैं और मैं इतना कह के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। एक नारा लगाऊंगा, सब साथ में नारा लगाएंगे, जय जवाहर का नारा है भारत देश हमारा है। अरे जय जवाहर का नारा है भारत देश हमारा है। साथियों भारत देश हमारा है, हम तभी उसको साबित कर पाएंगे जब हम पुरखा ज्ञान को अच्छे से पढ़ लेंगे, हमारे संवैधानिक अधिकारों को अच्छे से पढ़ लेंगे और जितने भी चीजें हैं हम शोध करके उस चीज को हासिल करेंगे। तो वास्तव में ये सारी चीजें हमारी हो जाएगी, नहीं तो छीनती जा रही है, सब कुछ छीन गया है। तो साथियों मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और अपने गीत गीत गा दूंगे छोटा सा दो लाइन का। मैं ज्यादा
ऐसे बातें रखा हूँ और इतना कह के अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।